preview. Hi guys, welcome to Four Wheeler Scooter. और आज का खास टॉपिक हम जो आपके लिए लेकर आए हैं वो है बेबीज फर्स्ट सॉलिड्स, यानी कि बच्चा जो पहला खाना खाता है। लाइव में अनफॉर्चुनेटली नेटवर्क खराब था, लेकिन बहुत सारे मॉम्स ने ऐसे सारे सवाल पूछे हैं जो बेबी को खिलाने के बारे में, या फिर ये जो बेबी है अलाइना, ये कैसे खाती है, ये क्या क्या नाटक करती है, इस सब के बारे में आप लोगों ने सवाल पूछे थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि अलाइना अपना खाना कैसे खाती है, और वो अभी 7 महीने की हो गई है तो वो उसने 6 महीने से क्या क्या खाया है, और आगे भी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन और रिकमेंडेशन के हिसाब से वो क्या क्या खा सकती है, क्या क्या खा सकती है, क्या क्या खा सकती है। यम्मी। अलाइना सुपर एक्साइटेड, और अलाइना का लंच आज है चावल, कैरेट्स, बीटरूट्स, उसमें फ्रेश टर्मरिक, मतलब पाउडर वाली नहीं, प्रॉपर टर्मरिक, थोड़ी सी ग्रेट की हुई, हल्का सा जीरा पाउडर एंड 2 ड्रॉप्स ऑफ काओ देसी घी। सो दिस इज व्हाट अलाइनाज लंच इज टुडे गाइस। और अब वक्त आ गया है लिपस्टिक लगाने का। अलाइना आर यू रेडी? बच्चे के साथ बहुत पेशेंस रखनी पड़ती है। लिपस्टिक लग गई। बहुत से लोग पूछेंगे कि अलाइना का लिपस्टिक का शेड क्या है। सो गाइज, इट इज ऑल होम मेड, जैसे कि आप देख रहे हैं उसकी मम्मी ने उसके लिए नेचुरल प्रोडक्ट्स ही लगाए हैं। दिस इज एनिमल एंड क्रुएल्टी फ्री लिपस्टिक, सो आप भी अपने बच्चे के साथ ट्राई कर सकते हैं। यू लाइक इट? यू लव इट? ओके। कोई भी खाना जो आप शुरू करें, आप पहले थोड़ा सा बेबी को चखाइए कि बच्चे को कैसा पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसके बाद बच्चे को देना शुरू करें। और हमेशा टेम्परेचर पहले हाथ पर चेक कर ले गाइस। मैंने पहले कर लिया था, सो इट इज़ सेफ टू फीड। ज़ोर ज़बरदस्ती ना करें, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली। अलाइना, डू यू लाइक इट? डू यू? गुड गर्ल अलाइना। सो बहुत सारी वेरिएशन है जो आप खाने में बच्चे को लंच में दे सकते हैं। कभी कभी मैं क्या करती हूँ, चावल, पीली मूंग और पालक, उसके साथ में ये जीरा पाउडर और हल्दी कांस्टेंट है मेरा घी के साथ में, बाकी मैं इसमें सब्जियाँ और अलग अलग करके डालती रहती हूँ, है ना? Yes. ये अलाइना की फेवरेट बुक है, वो इसमें खाती भी रहती है और यू नो सुनती भी रहती है। अलाइना, खाना इधर है बच्चा। Put it in the oven for the baby and me. Yay! और बहुत से लोग इस स्टेज पर 7 मंथ्स पे BLW, जिसको बोलते हैं बेबी लेड वीनिंग, उसको भी करते हैं, यानी कि जैसे अभी तो मैं उसे खिला रही हूँ, बट अलाइना का एक स्पून है जो मैं उसको देती हूँ, वो खुद हाथ से पकड़ के अपने मुंह में डालने की कोशिश करती है। वो मैं आपको एंड में दिखाऊंगी कि बच्चे को खुद भी आदत पड़नी चाहिए खाना खाने की, वरना हर वक्त आप बच्चे को खाना खिलाने के आगे पीछे ही घूमते रहेंगे। ओके, कभी कभी बच्चा स्पून ऐसे पकड़ लेता है। एज यू कैन सी, अलाइना इज अ लेफ्ट हैंडेड पर्सन, लेफ्टी है वो। सो करण इज अ लेफ्ट हैंडेड पर्सन, सो ही सुपर हैप्पी। बट बच्चे को पकड़ने दीजिए, उसको आदत डालने दीजिए कि वो खुद खाए। जोर जबरदस्ती मत करिए, अपना हाथ थोड़ा सा लूज छोड़िए और बच्चे को करने दीजिए। लेट द किड एक्सप्लोर बेसिकली। It's a good boy. I love you. I hear you.
तो कुछ मदर्स थी जिन्होंने पूछा था कि ऐसा क्या करके बच्चा जो है जीभ से बाहर डाल देता है। सो बच्चे की जो जीभ है उसके ऊपर चम्मच रखिए, नीचे नहीं, क्योंकि नीचे रखेंगे तो बच्चा जीभ से खाना बाहर निकाल देगा। तो ये चीज़ ऑब्वियसली आपकी जो मम्मियाँ हैं वो आपको एडवाइस कर सकती हैं, यानी कि लाइना की नानी दादी उन लोगों ने ये सब कुछ बताया है। सो जीभ के ऊपर रखें ताकि बच्चा धकेल के खाना बाहर ना फेंके, और बच्चे को टाइम दीजिए कि वो सक कर सके, तो धीरे धीरे सीख जाए। पेशेंस। ऊसा ऊसा Alaina, food is here. Good girl. So, और क्या क्या अलाइना के लिए लंच में मैं बनाती हूँ, सो ये आज की रेसिपी हो गई। फिर मैंने आपको पालक वाला भी बताया, ओ बच्चा। फिर उसके बाद कभी कभी अपना चावल, मूंग दाल और साथ में मटर, हरे मटर, वो भी आप कर सकते हैं, बिकॉज पी प्रोटीन इज़ ऑल्सो वेरी गुड गाइस। कभी कभी आप उसमें दूधी डाल सकते हैं, बॉटल गार्ड, वो भी डाल सकते हैं। और अगर और ऑप्शन चाहिए आपको तो आप कद्दू, बहुत अच्छा होता है बच्चों के पेट के लिए भी, बहुत अच्छा होता है, कद्दू भी डाल सकते हैं। कद्दू अलॉन्ग विथ कैरेट ऑल्सो यू कैन पुट, मिक्स करिए काफ़ी, जो आपको फिगर आउट करना पड़ेगा कि आपके बच्चे को क्या पसंद है और क्या नहीं। बेसिकली अलाइना को जैसे कि कैरेट और बीटरूट पसंद है, उसको स्वीट पोटैटो पसंद है, बट बच्चे का हर दिन मूड अलग होता है। ज़रूरी नहीं है कि आज वो ये खा रही है तो वो कल वो ये खाएगी या नहीं खाएगी, अगर उसका मूड है तो वो बिल्कुल भी नहीं खाएगी, सिंपल। सो अभी ये जैसे खुद खा रही है तो मैंने अपना ना के बराबर ये चम्मच पकड़ा हुआ है इस वक्त, ताकि उसको खुद खाने की आदत पड़े। एंड बिकॉज शी इज़ टीथिंग तो उसको चम्मच ऐसे मसूड़ों के बीच में रख के करना अच्छा लगता है। तो अलाइना खाना वेस्ट नहीं करना है, ओके? और अपना खाना गोकू भैया को नहीं देना है। एंड इफ यू गाइस वांट टू सी अ हॉट डॉग, गोकू प्लीज डैडी, हाय, यू आर सच अ गुड बॉय, That's a hot dog. तो गोकू जाके वहाँ पर सन बेदिंग कर रहा है, as you all saw. और अलाइना उसको देख देख के खाना खा रही है। हाँ अलाइना, आओ आओ आओ, गोकू भैया को बुलाओ। अल्ले, हाय गोकू, ओ बच्चा। I can't wait, अलाइना जब क्रॉल करने लगेगी और वो गोकू के पास जाया करेगी ऐसे ऐसे ऐसे, I want to see Goku का reaction क्या होगा। Can I take it now, please? बच्चे को थोड़ा independently खुद खाने के लिए और स्पून उठाने के लिए अलाउ करना चाहिए, ताकि उसको आदत पड़े कि जब वो खाना खाए तो वो खाए। अभी ऑब्वियसली यहाँ पर सेटअप नहीं है, इट्स अ डिफरेंट सेटअप, बट जनरली यहाँ पर प्लेट लगा कर आप थोड़ा सा, ये प्योरीड फॉर्म है, आप थोड़े से नॉर्मल बॉइल्ड भी रख सकते हैं। बच्चे के साथ फीडिंग टाइम एक्चुअली में एक प्ले टाइम की तरह होना चाहिए, सो आपको एक स्टोरी उसके अराउंड रिवॉल्व करनी चाहिए। और अगर जैसे अभी अलाइना एक्साइटेड है इसलिए वो खा रही है, वरना मुझे पूरी कहानियाँ उसको सुनानी पड़ती है। हाँ अलाइना, माओ बिल्ली कहाँ से आई थी, कहाँ से आई थी, माओ बिल्ली आके सारा खाना खा जाती है, सारा खाना खा जाती है। प्लीज डोंट फोर्स फीड एंड डोंट ओवर फीड बेसिकली योर किड। बच्चे की सिग्नल्स को सुनिए, समझिए। जस्ट बिकॉज बच्चा बोलता नहीं है इसका मतलब ये नहीं है वो कम्युनिकेट नहीं कर सकता है, बच्चे बिना बोले भी बहुत कम्युनिकेट करते हैं। और मेरा तो पहला बच्चा जो है गोकू, वो भी बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करता है। गुड बॉय गोकू, गोकू गुड बॉय,
love you so much. Aunt Mama loves Gugu also. Ta-ta. Good girl. Okay, now अगर अलाइना ऐसा करती है तो इसका मतलब है उसका खाने के लिए अभी और उसको नहीं खाना है, अब एक्स्ट्रा एफर्ट डालनी पड़ती है। यार अलाइना, ओके, एज यू कैन सी अभी अलाइना अपने हाथ से मेरा हाथ पीछे कर रही है। अब उसका खाना अब ओवर हो गया, सी दिस, ये देखो अब उसको नहीं खाना है। सो इसका मतलब है अब उसका पेट भर चुका है, मैं उसे अभी फोर्स फीड नहीं करूँगी। हाँ, अब अलाइना पानी पिएगी। सो अलाइना अभी उसको देखो कितनी बच्चे कितने चंट होते हैं ना, ये मैं आपको दिखाती हूँ। सो अगर मैं उसको ये खाना खिलाने की कोशिश करूँगी, अलाइना फूड, वाटर, आपको पता है फूड कौन सा है, वाटर कौन सा है अलाइना? वाटर। खाना खाने के बाद मैं उसको 3-4 चम्मच पानी देती हूँ गाइस, बाकी टाइम मैं उसको दिन में एटलीस्ट अभी पानी नहीं दे रही हूँ। वो ब्रेस्ट फीड कर रही है, उसमें 70% पानी ही होता है, तो एटलीस्ट दैट टेक्स केयर ऑफ द वाटर शी नीड्स। काफ़ी लोग मूंग दाल का पानी भी पिलाते हैं, दैट इज़ ऑल्सो हेल्दी। ये प्लेन वाटर है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि उसको प्लेन पानी पीने की भी आदत पड़े। नाइना, गुड गर्ल, अभी ग्लास पकड़ो, पकड़ो, गुड गर्ल, वेरी गुड गर्ल, अभी पियो। Good girl. Very good. अभी अलाइना का लंच हो गया है कंप्लीट। अब मैं आपको सबसे सबसे क्यूट तो नहीं, मतलब और भी पूरी क्यूट है, लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाती हूँ। तो जनरली मैं ये सब कुछ होने के बाद अलाइना का मुंह वाइप करती हूँ वाइप से, तो वो कैसे रिएक्ट करती है वो मैं आपको दिखाती हूँ। सो अब मैं अलाइना का मुंह वाइप करने वाली हूँ, तो वो कैसे उसको प्रीएम्प्ट करके मुंह, अलाइना अभी टच भी नहीं किया मैंने नाच को, गुड गर्ल अलाइना, ये गुड गर्ल, ये लो पढ़ाई करो। सो अलाइना का लंच हो गया है कंप्लीट, जैसे कि हम लोगों ने देखा। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लाइक द वीडियो, और अगर आपको और भी कोई क्वेश्चन है जो आप पूछना चाहते हैं तो प्लीज कॉमेंट सेक्शन में नीचे लिखिए, आई विल ट्राई टू कवर एज मच एज पॉसिबल। सो अब हमें तैयारी करनी है किसके लिए, सोने के लिए। अब मैं अलाइना को सुलाऊंगी और फिर शुरू होगा उसका इवनिंग रूटीन, जैसे आपने हमारी वीडियो में देखा होगा। सो कैच यू गाइस लेटर, सब्सक्राइब टू फोर व्हीलर स्कूटर, और इसके बाद मैं अपना डॉक्टर का चार्ट इसके बाद अटैच करने वाली हूँ, सो डोंट फॉरगेट टू वॉच दैट गाइस। हाय बच्चों, ओह गुड बॉय, such a good boy you are, I such a good boy, your boy I such a good boy, I such a good puppy you are, ali 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 ali, oh my bachu, kiska bacha hai, ah oh ma gaku 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 gaku, ai jona good boy, okay kishi.